बहुजन मिशन की जो नायिका है उनसे बार बार मेरा झगड़ा होता रहता है। जैसा कि आप जानते हैं भी मानवी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने महिला दिवस के अवसर पर कहा था कि हम जहां मोदी खड़े होंगे वहां से चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद चंद्रशेखर रावण वाराणसी से चुनाव लड़ने के लिए तैयार भी हो गए। लेकिन सुश्री मायावती जी ने उन्हें ट्वीट करके कहा कि अगर चंद्रशेखर रावण वाराणसी से लड़ते हैं तो वो मोदी को सपोर्ट करते हैं, इसलिए चंद्रशेखर रावण ने चुनाव लड़ने का मन त्याग दिया है और उन्होंने यू टर्न लिया है। तो देखते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। स्वागत और जय भीम। अच्छा नीचे कर, अच्छा लड़ाई लड़ रहे हैं देश में, तो भाई फिलोस जो है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। लेकिन देश में जो एक वर्तमान में बहुजन मिशन की जो नायिका है उनसे बार बार मेरा झगड़ा होता रहता है, तो आज कुछ चीजें स्पष्ट करने के लिए मैं, क्योंकि जब भी मीडिया वाले मुझसे मिलते हैं तो वही सवाल सबसे पहले पूछते हैं कि बहन जी ने आपके बारे में ये कहा, बहन जी ने आपके बारे में वो कहा, तो इस लड़ाई को आज खत्म करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, तो मैं कुछ चीजें स्पष्ट कर दूं। मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है और मैं एक छोटे से गांव छुटमलपुर में रहता हूँ, आज भी वही मेरा घर है। मेरे पिताजी एक सरकारी अध्यापक थे, प्राइमरी स्कूल में टीचर थे वो, जो उन्होंने मुझे सिखाया अन्याय के खिलाफ लड़ना, मैं आज भी पूर्ण मजबूती से अन्याय के खिलाफ, वो जो देश में एक विरोध है बहुजनों के खिलाफ, उसको खत्म करने के लिए मैं लड़ रहा हूं। मैंने भीम आर्मी का निर्माण भाजपा के कहीं से नहीं किया और ना ही भाजपा वाले भीम आर्मी के निर्माण के समय मुझे जानते थे। एक बोर्ड से और उससे पहले एक स्कूल की लड़ाई से भीम आर्मी का निर्माण हुआ और वो लड़ाई हमारे अधिकारों की थी, हमारे आत्मसम्मान स्वाभिमान की थी, और हमने उस लड़ाई में पीछे हटने से अच्छा लड़ना स्वीकार किया। तो इस जगह से भीम आर्मी का निर्माण हुआ और इस निर्माण के बाद सैकड़ों आंदोलन, चाहे वो रोहित भाई का मामला, चौना भाई ऊना का मामला, कितने ही धरने और आंदोलन हम लोगों ने किए, मुकदमे झेले, जेल काटी। जब शब्बीरपुर मामला हुआ तो जब हमारे लोगों पर अत्याचार हुआ, उत्पीड़न हुआ, तो मैंने इसका बड़े पैमाने पर विरोध किया। 9 तारीख के बाद सबसे ज्यादा मुकदमे मुझ पर लगे, मैं जेल गया 21 तारीख की रैली करने के बाद, और 16 महीने मैं लगातार जेल में रहा, लगभग 560 दिन के करीब। और हर रोज जब भी सुबह अखबार आता था तो मेरा एक प्रयास रहता था कि मुझे लगता था कि आज बहन जी हमारा समर्थन करेंगी, आज बहन जी सरकार को धमका के कहेंगे कि वो हमारे ही बच्चे हैं और उन्होंने एक अच्छी लड़ाई लड़ी थी, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, इनको छोड़ दीजिए, इनको ना सताया जाए। बड़े प्रयास के बाद भी, बड़ी उम्मीदों के साथ भी, ऐसा कोई अखबार जेल में नहीं आया। जिस सरकार का, जिस पार्टी का एजेंट होने का मेरे ऊपर आरोप लगाया जाता, उस पार्टी ने मुझे जेल में रखा, उसने मेरे ऊपर इतने मुकदमे लगाए, उसने 8 महीने मेरा इलाज नहीं होने दिया, और जेल में इतना अच्छा जीवन नहीं जेल का, एक एक दिन मैं कैसे तड़पा हूं मैं जानता हूं। तो मुझे उम्मीद थी कि बहन जी आज समर्थन करेंगे, कल करेंगे, लेकिन बहन जी द्वारा ऐसा नहीं किया गया। थोड़ी निराशा भी थी, लेकिन मैं जब बाहर आया तो मैंने पहले दिन से बहन जी के प्रधानमंत्री पद का समर्थन किया और बसपा का कट्टर सपोर्टर होने की बात कही, और इसके एवज में मुझे मिला कि मैं भाजपा का एजेंट हूं। तो मुझे उनसे आज भी कोई नाराजगी नहीं है। फिर बहन जी ने और कुछ लोगों ने कहा कि अगर आपको राजनीति करनी है तो बीएसपी में जाकर राजनीति कीजिए, बीएसपी के बैनर के नीचे कीजिए। बहन जी ने भी इस बात को स्वीकार किया, लेकिन मुझे साहब काशीराम ने सिखाया कि राजनीति चले ना चले, लेकिन सामाजिक क्रांति की जो गति वो रुकनी नहीं चाहिए। तो इसलिए, क्योंकि मैं ये चाहता था कि बहन जी पीएम बने और आज भी चाहता हूं, तो मैंने बहन जी के कहने के बाद प्रयास किया, 4 से 5 बार प्रयास किया फोन करने का और ये जानने का कि किस तरह से इस लड़ाई में हम क्या भूमिका अदा करके आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन फोन पे हमेशा जो है यही कह दिया गया कि बहन जी भी बिजी हैं, वो भी जब फ्री होंगी तब बात करेंगे। तो मेरा प्रयास रहा कि मैं इस लड़ाई को और मजबूत कर सकूं बहन जी के साथ खड़ा होकर, तो इसमें भी हमें निराशा हाथ लगी। अब सवाल है बनारस चुनाव का, ये भी लोगों को जिज्ञासा कि बनारस चुनाव में
मैं लड़ रहा हूं या नहीं लड़ रहा हूं। किसी भी कार्य के पीछे एक उद्देश्य होता है, और बनारस चुनाव के पीछे जो उद्देश्य था वो ये था कि भीम आर्मी एक बहुत बड़ा परिवार है, आप सब लोग जानते हैं, पूरे देश में काम करता है। तो जब भी कहीं एट्रोसिटी का कोई मामला होता है या कहीं अधिकारों के हनन की बात आती है तो भीम आर्मी में काम करने वाले बहुजन नौजवान जो समर्पित है समाज के प्रति, मिशन के प्रति, साहब काशीराम के मूवमेंट के प्रति, तो वो आवाज उठाते हैं, वो आंदोलन करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, जैसे 2 अप्रैल में हुआ, जैसे 5 मार्च हुआ। और इसके एवज में उन्हें उनका कैरियर तो खराब होता है लेकिन उनको जेल भी जाना पड़ता है, मुकदमे लगते हैं। तो ये लड़ाई बड़ी कठिन है। तो उन सबकी ये मांग थी, उन सबका एक बड़ा दबाव था कि भैया जब ये सब चीजें होती हैं तो अपने दल तो हम एजेंट घोषित कर चुके लेकिन और कोई तुम्हारे समर्थन में नहीं आता, ना कोई नेता आता ना कोई पार्टी आती। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी आवाज जो है जो दब जाती है इतने बड़े मुकदमों और उत्पीड़न के बाद भी, कि आप जाके लोकसभा में हमारी आवाज उठाएं। क्योंकि जब संविधान जल रहा था तो 131 एमपी थे एसएसटी के, लेकिन कभी उन्होंने इस लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम नहीं किए। तो उनके दबाव के चलते निर्णय लिया गया, क्योंकि आज भी बहुजन समाज के युवा रुकना नहीं चाहते। आज भी जब हमारे लोगों पर उत्पीड़न अत्याचार होता है, उनके अधिकार छीनते हैं, तो वो लड़ते हैं, वो उनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करते हैं। तो उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए मैंने निर्णय लिया कि हम लोग बनारस चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बनारस चुनाव भी मेरे लिए जो है बड़ा कठिन साबित हुआ। मेरी घोषणा के बाद जब मैं वहां कन्वेंशन के लिए गया तो बहन जी ने ट्वीट करके कहा, बता दो जब मैं कोई स्टेटमेंट देता हूं तो उसकी रखवाली भी करता हूं। तो मैं अपनी बात पे कायम रहना चाहता था, मैं अहंकारी नहीं हूं, ना ही मैं कोई ईगो फैक्टर से ग्रसित हूं। लेकिन अगर मेरी वजह से मोदी जीत जाएगा तो मैं ये भी समझता हूं बहुजन मूवमेंट में कि फूट से लूट होती है, तो जो लोग फूट करेंगे उसका उसकी लूट का फायदा भाजपा ना उठा ले। तो मैंने निर्णय लिया, क्योंकि मेरा अंतिम उद्देश्य है और स्पष्ट है कि मैं मोदी को हारते देखना चाहता हूं। तो मैंने तय किया कि मेरी वजह से मोदी कोई मदद ना हो, बहन जी और अखिलेश भाई मजबूत प्रत्याशी उतारे वहां, हम उसका समर्थन करेंगे, घर घर जाके वोट मांगने का काम करेंगे, मोदी जी को हराने का काम करेंगे। और मेरे नजरिए में आज के समय में जातिगत समीकरण देखा जाए तो सतीश चंद्र मित्रा जी उसके प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि 3 लाख के करीब ब्राह्मण वोट वहां है। लोग झूठी अफवाह फैलाते हैं कि स्वर्ण समाज का वोट बीजेपी को नहीं मिलता, तो मैं उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा लगेगा अगर सतीश चंद्र मित्रा जी वहां से लड़ते हैं, उन्हें पता लग जाएगा कि सतीश चंद्र मित्रा जी के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज वहां वोट देगा और ऐसे अन्य जो है SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज मुस्लिम भाई जो है वोट देकर मोदी जी को हराने का काम करेंगे। तो दोनों काम हो जाएंगे, 1-3 से 2 शिकार हो जाएंगे, मोदी जी भी हार जाएंगे और जो लोग गलतफहमी है कि स्वर्ण समाज के वो लोग बसपा को वोट देते उनकी ये गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। तो क्योंकि मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं बहुजन मिशन के प्रति, और मेरा समर्पण का सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मैंने जो बड़ा एक मामला यह है कि स्वर्णों द्वारा हमेशा बहुजनों के ऊपर अत्याचार किया गया, उनके अधिकारों को सीज किया गया, छीना गया और उनका उत्पीड़न किया गया और बार बार उन्हें अपमानित किया गया, लेकिन फिर भी मैंने बसपा के स्वर्ण प्रत्याशी कोई विरोध नहीं किया। क्योंकि ये लड़ाई आज हमारे आपस में लड़ने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एकजुट होकर भाजपा को रोकने की, क्योंकि भाजपा संविधान खत्म करना चाहती है और हम सबका वजूद संविधान से है। तो मैं बनारस का उद्देश्य मेरा सिर्फ मात्रा था कि मैं गोधरा कांड के हत्यारे मुस्लिम भाइयों के हत्यारों को, जो हत्यारा है जो आज देश की प्रधानमंत्री पद की कुर्सी बैठा है, उसको संसद जाने से रोकूं, भाजपा को रोकूं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने स्वर्ण प्रत्याशी का विरोध नहीं किया इसी उद्देश्य से कि भाजपा हारे। तो आज भी बहन जी के ट्वीट से मुझे निराशा हुई थी लेकिन मैं कुछ दिन चुप रहा, आज भी पूरी मजबूती से हम बहन जी के साथ खड़े हैं, यूपी में पूर्ण रूप से गठबंधन के साथ खड़े हैं, भाजपा को हराने का काम करेंगे और अब पूरी मजबूती से, निराश ना होकर पूरी मजबूती से बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, भीम आर्मी को मजबूत करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और ईवीएम के लिए बस मैं इतना कहना चाहता हूं, बाकी मेरे साथी इसे स्पष्टीकरण देंगे, फैक्ट सहित रखेंगे, कि मैं आज भी कह रहा हूं कि यहां के नेता नहीं चाहते जो काम कर रहे हैं, जो राजनीति कर रहे हैं,
कि भाजपा हारे, अगर वो चाहते हैं भाजपा हारे ईवीएम पे रोड पे आए और जनता को भी रोड पे आने की अपील करें, क्योंकि वोट लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार है। अगर ये छीन जाएगा तो कल चिल्लाएंगे जब चुनाव का रिजल्ट आएगा 23 तारीख को कि ईवीएम से लूट होगी, ईवीएम से लूट होगी। आज मौका है, आज चुप रहेंगे तो कल हमें मत कहिएगा। अगर आप आंदोलन की घोषणा करेंगे, सभी राजनीतिक दल जो लोग चाहते हैं भाजपा आ रहे, तो हम उनके साथ खड़े हैं, पूर्ण मजबूती से उनके साथ खड़े हैं। लेकिन अगर कल ईवीएम से चुनाव होने के बाद आप ये कहें 23 मई को कि भाजपा ने चोरी करके जीत लिया, तो इसमें गलती आपकी, क्योंकि आज आप जानते हुए भी चुपचाप बैठे हुए हैं। तो मेरा मैं स्पष्ट कर दूं कि लूट चल रही है। मेनका गांधी ने जैसे कहा, बड़ी जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं कि हम पता निकाल लेंगे कौन से बूथ से हमें वोट पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, ए बी सी कैटेगरी रखें कहां से हमें वोट पड़ रहा है, कहां से नहीं पड़ रहा है। यानी कि आपकी वोट गुप्त नहीं रही है भाई। बैलेट पेपर से क्या होता था कि सारे बैलेट पेपर आपस में रला दिए, किसने किसे वोट दी पता थोड़े चल रहा था। लेकिन अब तो पता लगता किस बूथ से वोट मिली, दलितों से किस बूथ से नहीं वोट मिली तो भाजपा दलितों को पीटेगी, मुसलमानों से नहीं मिली तो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाएगी, ओबीसी से नहीं मिलेगी तो ओबीसी को नुकसान पहुंचाएगी। तो ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है, इससे नुकसान हो रहा है, आदमी चिन्हित हो रहा है, और भाजपा या कोई अन्य दल जब सरकार में आता तो उनको नुकसान देता है। तो इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साथी जो है वो इस पर अपनी बात रखेंगे और फैक्ट सहित आपको बताएंगे। हमारा आज का वीडियो आपको पसंद आया हो और अगर आप हमारी बात से सहमत है तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिए, और हो सके तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा।